ये देखो सर, ये जो है ये कल जो है मैंने तोड़ दिया इसको, मतलब थोड़ा सा ये कचक गया, टेढ़ा हो गया। देखो ये यहाँ पे टेढ़ा हो गया। मैंने बोला मैं करता हूँ, वैसे तो यहाँ से काट दे, इस तरफ से ना ऊपर की तरफ से काट दे। मैंने यहाँ से काटा तो पेड़ पे लगते टूट गया। मौसम बदल गया ना, है ना, धूप वो बहुत बड़ी आ गई है, मौसम बदलने लगा। हाँ वीरा, वीरा है तेरा नाम? नानी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखो आ गया ना मैं बुढ़िया के पास, बुढ़िया लोगों के पास आ गया ना मैं। तो चल, कहाँ से आ रहे हो आप? चल घर में सर। चाय पिलाओगे? हाँ तो हैं? हाँ हाँ। कहाँ से आ रहे हो आप सुबह सुबह? कैसे पिएगा हैं? कैसे पिएगा? फीकी फीकी। हाँ चाय से बढ़िया दूध पिला दो। तो चलो हैं, पानी रोक के हैं ठोके। छोटी वाली नानी कहाँ गई? अभी तो यहीं से आ रही, मैंने देखा तो इधर में आई ना। हाँ तो सास को देके भाग गई वो। अच्छा अच्छा, ऐसी बहू लाना अपने लिए, जो देख के डर जाए, देख के डर जाए। नहीं जो ये बोलो, जो जो इज्जत करती हो इन, जो डरती नहीं हो, डरने और इज्जत करने में नानी अंतर है। सामने से डर जाती है ना वो, तो थोड़ा सासु के मन शांत हो जाता है। अच्छा ठीक है, बस बाकी आगे पीछे कुछ भी करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मतलब है, ज्यादा खा लिया थोड़ा रह गया। तो सर अभी हम नीचे आए थे, 11 बज गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे शायद क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और हम, ये मेरी कमर दर्द है और मैं जा रहा हूँ उनके पास, उनसे बोलने की भैया 2 बॉल खिला दो। और मोहित क्या हाल है? मोहित क्या हाल है? मोहित हाथ में ला रहा है डंपे मास्टर। बोल्ड तू बीच का है? नहीं ठीक है, बीच का है तो कर हिंदी इंग्लिश बोल। इंग्लिश हिंदी बैटिंग है सर। वो मोहित, मंकू और मैं हैं एक टीम, और ये और वो हैं एक टीम, और डंपी बीच का है। तो सर एक विकेट का पतन होता है और एक विकेट का पतन होने के बाद हम उतरते हैं, लेकिन फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड्स पर। अब वो क्या बोलते हैं कि ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, और ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद मैं आउट हुआ हूँ। आगे का मैच देख लीजिए। अब डंपी बाबा खेलेगा। तेरे दांत टूट जाएंगे। अब सर दूसरा मैच है, मोहित अंपायर लगेगा, मैं रनिंग भी जाऊंगा। चार रन। भाग।
सारी फोन फट गया छे। सर एक विकेट गिर गई है मेरे नाम की मंकू अकेले मार फोन आउट करा दे मेरे को। देखो सर बॉल जो है वहां नीचे जा चुकी है सबके सब उसको ढूंढने के लिए गए हैं और मैं यहाँ पर हूँ अकेला। कितना बढ़िया लग रहा है अकेला। कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम दुनिया में अकेले बच गए तो क्या करेंगे, मतलब कैसा होगा दिखने में, मतलब है ना सिर्फ हवा और ये थोड़ा सा बहुत चिड़िया जानवर वगैरह, सिर्फ ह्यूमंस में आप हैं फिर क्या करेंगे। अकेले नहीं रह सकता सर कोई, कोई नहीं रह सकता अकेले, कोई भी नहीं रह सकता अकेले, लेकिन अकेले जो है थोड़ा सा पीस मिलता है। जैसे यहाँ पे बैठे हैं हवा सरसराती हुई हमारे गालों को छूती है, बालों को छूती है, चिड़ियां हैं उनकी चहचहाट जो है हमारे कानों पर पड़ती है बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। हम आप नेचर सब नेचर हैं, इस तरह की बातें करना मुझे बहुत पसंद है। तो चलो सर अब हम चलते हैं, चलो मार के दिखा दो, टच भी कर दोगे मान जाऊंगा मैं। तो सर मैदान पे जो है एक नए प्लेयर आए हैं, आराम से करे एटलीस्ट टिप टिप फिर छोड़ना दे लो। मैं कर रहा हूँ चलो इसको इसको पकड़ो। ये है जा रहा हूँ बाय बाय बेटे, शुक्रिया करो मुझे कि मैंने तुम्हें मैच जितवाए हैं दो डम्पी बाय बाय। डम्पी को बस टाइम पास के लिए खिलवा रहे हैं, उसको सिर्फ बॉल पकड़ने के लिए रखा कर देखो, मैच वहां चल रहा है और डम्पी को बेचारे को यहाँ पे खड़ा कर रखा। इधर देख बेड़े बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो ए बी सी डी बाय बाय बोलो। तो सर ऐसा है कि अभी हमें डांट पड़ने वाली है क्योंकि मैं काफी देर ऊपर रुक गया हूँ, बहुत फोटोज खींच रहा था मैं और वीडियो बना रहा था और मौसम जो है बहुत बेहतरीन हो गया, बादल आए काफी समय के बाद बेहतरीन वाले और धूप तो आ ही रही है बाहितरीन वाली सर।